सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। गवर्नमेंट ने हाल ही इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी आंकड़ा रिलीज किया। मैं हूं गजल जैन और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। आइए जानते हैं कि इस बार ऐसी क्या वजह थी कि जीडीपी इतनी ज्यादा गिर गई है। जीडीपी डेटा के अकॉर्डिंग इस साल तो नेगेटिव ग्रोथ की रिकॉर्ड बन चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में करीब 23.9% तक जीडीपी फॉल हुआ है। अब इसके कई कारण हो सकता है, लेकिन पहला और सबसे बड़ा कारण, जैसा कि आप सबको पता है, वो है कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी एसेंशियल कमोडिटीज एंड सर्विसेज के अलावा बाकी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी। अब बता देते हैं कि ये जो जीडीपी जो डेटा है, जीडीपी का जो डेटा है, वो गवर्नमेंट ने 1996 से रिलीज़ करना स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक इस साल सबसे बड़ा जीडीपी फॉल हुआ है। और साथ ही साथ ये जो जीडीपी फॉल है वो सबसे बड़ा है पूरे एशिया में भी, सारी मेजर इकोनॉमीज को मिलाकर। गवर्नमेंट ने 25 मार्च से ही पूरे देश में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया था कोरोना वायरस के फैलने के डर से, और फिर उसके बाद करीब 1-1.5 महीने बाद 20 अप्रैल से उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीस्टार्ट करने की परमिशन दी थी। अब बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्राउंड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करें।